Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So in the previous video we have discussed the 5 hots question based on chapter number 2 class 9 polynomials. हमने अपनी पिछली वीडियो में 5 questions hots questions लिए थे जिसके बारे में discussion की थी. So अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है please click on the I button. You will get the description over there. Those who have not watched, please watch that video. The description is given in the I link. You can click over there. So today I am going to discuss the factorization of a cubic equation. Actually, cubic equation kya hoti hai? Any equation which is of degree 3, jiski bhi degree 3, highest degree 3 ho, that is called cubic equation. So it's still a challenge for the student to solve that type of question which is of degree 3, and it is very useful in 10th standard, 11th standard also. To make the factorization of quadratic equation, it's very simple, but to solve a cubic equation, that is taking a quite some time. So let us see. So students, this is question number 1. Using factor theorem, factorize the polynomial x cube plus x square minus 4x minus 4. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी equation है, उसकी highest degree 3 है. इस type की equations को हम क्या बोलते हैं? Cubic equations, which is of having degree 3. So हम इसको solve करते हैं. इसके लिए हम आज सीखेंगे बिल्कुल एक shortcut method. शॉर्टकट मेथड आपको वैसे आपको टीचर्स ने बताया होगा जिस बच्चे को नॉलेज है. तो यू वी विल डू फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन होती है, पर हम आज इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे. तो देखते हैं कैसे करते हैं. सो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा जैसे आपका होने वाला था. उसके लिए क्या था, आपको x की एक वैल्यू सोचनी है. सो दैट व्हेन यू विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन योर आंसर विल बी जीरो. इसके अंदर एक x की वैल्यू ऐसे सोचनी है जिसके लिए आप x की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. तो ये हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. हमने अपने आप ही एक वैल्यू गेस की, उसको इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखा. इफ आंसर इज गोइंग टू बी जीरो देन इट्स ओके, अदरवाइज वी नीड टू थिंक अबाउट अदर वैल्यूज. जनरली हम इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और -1, -2. इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है. तो ओरली चेक करके देख लेते हैं. 1 तो आई थिंक सेटिस्फाई होने वाला है नहीं, तो यूजलेस है. 1 + 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो -4 - -4 हो जाएगा 8. तो हमारी 1 वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है. अगर 2 में डाल के देखते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. 8 प्लस 4 आ गया 12. और यहाँ पे डालेंगे 2 तो 4 × 2 8. 8 माइनस 8 माइनस 4 हो गया -12. दैट्स द आंसर. यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 की वजह से हमारा x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो. सो दैट्स आवर पॉइंट. सो हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2. हमें यही तो वैल्यू चाहिए कि जिसके लिए इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए. तो पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 4 - 8 - 4. सो इट इज गोइंग टू बी जीरो. यहाँ पे हमारा इसका फैक्टर x इज इक्वल टू 2 इसकी जीरो बन गई है, क्योंकि ये वैल्यू डालने पर इसको जीरो बना रहा है. तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन की क्या बन गई है, जीरो. किस इक्वेशन की, हम सपोज कर लेते हैं इसको fx, इसकी fx की जीरो बन चुकी है. तो एक फैक्टर तो इसका क्या बन जाएगा, x - 2. इसको हम इधर लेके जाएंगे तो x - 2 हो जाएगा. x - 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x - 2 इसका फैक्टर बन चुका है. अब आपको ये भी पता है कि अगर इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आने वाली है. और सिंपली हम बोले कि इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे. एज यू नो दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग डिग्री 2. देन वी विल मेक 2 फैक्टर्स. जो डिग्री 2 की होती है उसके 2 फैक्टर्स बनते हैं. यहाँ पे डिग्री 3 है तो इट इज गोइंग टू बी इन 3 फैक्टर्स. तो यहाँ पे देखते हैं, एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है. दूसरे के लिए जो आपका पुराना मेथड है वो वही है. आप इसको x - 2 को लॉन्ग डिवीजन से इससे डिवाइड करेंगे.
बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम इसको लॉन्ग डिविजन की बजाय एक शॉर्टकट सीखते हैं कैसे. देखिए, जो x की वैल्यू 2 आ रही है ना, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 2, सिंपल. और इसके बाद आपने क्या करना है, जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में देखना है कि जो इक्वेशन में x है वो असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है या नहीं. मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, एक्स क्यूब पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, देन एक्स स्क्वायर पड़ा है, देन एक्स पड़ा है और फिर कॉन्स्टेंट पड़ा है. तो हमारा बिल्कुल ऑर्डर में दे रखा है यह इक्वेशन, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री की, देन उससे लोएस्ट, देन उससे लोएस्ट, देन उससे लोएस्ट. करना क्या है आपको, सिर्फ यहाँ पे हर एक के कोफिशिएंट्स देने हैं. जैसे एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो ये क्या है 1, इसके आगे भी क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4 और लास्ट कांस्टेंट टर्म भी क्या है -4. तो सिंपली हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स है वो लिख लेने हैं. उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको एज इट इज हमने नीचे लिख लेना है. बिल्कुल सेम, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली व्हेन यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ना, हार्डली इट विल टेक 5 सेकेंड्स, बिल्कुल फटाफट से हो जाएगा. सो अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और जो आएगा फिर इन दोनों को ऐड करना है. कैसे, 2 on the 2 प्लस 1 plus 2 इज 3, नेक्स्ट 2 into 3 इज 6, नाउ 6 minus 4 इज 2, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में. नेक्स्ट 2 into 2 इज 4 एंड 4 plus 4 minus 4 क्या हो जाएगा 0. इस चीज में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अगर ये बिल्कुल सही तरीके से किया है तो यहाँ पे जो आपका लास्ट रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ जाएगा. ये जो रिमाइंडर है ये हमारा ऑटोमेटिकली 0 आना चाहिए. अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक. तो बहुत ही सिंपल है, हम इसके बेस पे आप पे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे. सो 2 लिख दिया, 2 on the 2, 1 plus 2 आ गया 3, 2 3 the 6, -4 plus 6 करा क्या आ गया 2, 2 2 the क्या आ गया 4. बस ये हमारे पास जो है वो कॉफिशेंट्स आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो ये जो कॉफिशेंट है वो एक्स स्क्वायर का है और ये जो कॉफिशेंट है वो एक्स का है और ये क्या है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म. तो है ना लॉन्ग डिविजन मेथड से बहुत ही इजी मेथड, इजंट इट, कितना इजी है. हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ, हमें लॉन्ग डिविजन ही नहीं करनी पड़ी और बिना डिविजन करे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो 1 into x² क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 into x क्या आ जाएगा 3x और साथ में क्या आ गया 2. तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ले आए, एक फैक्टर आपका आ चुका है. अब इसको बनाना तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप 8th क्लास से भी सीखा है, हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टकट, हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके फैक्टर्स आप 8th क्लास में सीख के आए हैं. तो इसके करते हैं फैक्टराइजेशन. तो इसके लिए पता है आपको लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है और जो आता आंसर उसके फैक्टर बनाते हैं. सॉरी, अदरवाइज इसके लिए एक और शॉर्टकट है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको. तो ये हमारा इसी का ही पार्ट है, हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टकट ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन अ सेकेंड, ये भी सीख लेते हैं हम. तो देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ना उसके फैक्टर्स बनाइए. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1, तो 1 के फैक्टर क्या होते हैं 1 into 1 और 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 into 2, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ दोनों के साथ एक एक्स लगाना है. अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा तो दोनों के साथ वाई लगाना है. क्लियर है, आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है उसके फैक्टर बनाने हैं और जो लास्ट टर्म है उसके फैक्टर बनाने हैं. 2 कब आता है, जब 1 into 2 करते हैं. बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. आपको पता है 2 into 1x क्या होता है 2x और 1 into 1x क्या होता है 1x. तो आपका दोनों तरफ से प्लस करने पर हमारा 3x बन रहा है, मिडल टर्म बननी चाहिए प्लस या माइनस करने के बाद. तो आपको पता है हमें 3 चाहिए मिडल में, तो हमें बीच में दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा प्लस. 2 into 1x क्या हो जाएगा 2x
और 1x इंटू 1 क्या आ जाएगा 1x, 2x प्लस 1x कितना होता है 3x, दैट्स द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो भी प्लस माइनस करना है उसको करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके हमारी मिडल टर्म आनी चाहिए। तो ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं 1x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1, और ये आ गया है 1x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2, दैट्स द आंसर। तो देख सकते हैं इतने से स्टेप में विद इन 1 2 3 4 5 6 सिक्स स्टेप में आप इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ 2 मिनट्स, एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल हार्डली टेक 1 मिनट। 1 मिनट में आप लोग फटाफट से इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आई हैव टेकन अगेन द सेम क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन, इक्वेशन तो सेम नहीं है डेफिनेटली, बट दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके लिए जनरली आपको जो एनसीईआरटी में मेथड दिया हुआ दैट इज लॉन्ग डिविजन मेथड, और ऑफकोर्स जैसा नेम्स है लॉन्ग डिविजन मेथड वैसे ही टाइम लग रहेगा, उसमें टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दैट इक्वेशन, बेटर टू यूज दैट शॉर्टकट। और जो ये मेथड मैंने आपको शॉर्टकट यूज किया दैट इज एक्चुअली सिंथेटिक डिविजन, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी जो इक्वेशन दे रखी है ये है एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब पहला काम तो हमारा सेम ही है, हमें क्या करना है x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है दैट इज गोइंग टू मेक दिस इक्वेशन जीरो, जो इसका आंसर क्या ला दे जीरो। अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है अगर आप अपनी एक्स की वैल्यू प्लस में डालने, मतलब अगर कोई बच्चा सोच भी रहा है 1 या 2 डालने पर आपका आंसर आ जाएगा 0, तो वो बिल्कुल मतलब यूजलेस है। आपको पता है सारी इक्वेशंस किस में है, सारी टर्म्स किस में है, प्लस में है, तो जब प्लस या माइनस होगा अगर कुछ सारा प्लस में तो 0 तो नहीं आने वाला ना आंसर, 0 से बड़ा ही आएगा डेफिनेटली। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू डालने का फायदा नहीं है, सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू पहले क्या होती है माइनस 1, सो थिंक अबाउट द माइनस 1। यस पुट करके देखते हैं माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 32 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 32, और ये हो जाएगा प्लस 20। 13 में से 1 गया 12, 32 माइनस 32 प्लस 20 कितना हुआ माइनस 12, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 32 नेगेटिव में है तो हमेशा बड़े नंबर की ही साइन आता है हमारे पास, 12 माइनस 12 दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर वी नीड। एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करने पर जीरो आ रहा है माइनस 1, तो हमें यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिल चुका है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 इसको जीरो बना रही है। तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे सारा ऐसा लिख के करके दिखाएंगे एग्जाम में, बिकॉज यू हैव टू शो दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ जीरो। सो बस कुछ नहीं करना, अपने एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर देना है, सो हमारा ये आ जाएगा माइनस 1 क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 13 13, 32 इंटू माइनस 1 इज माइनस 32 प्लस 20। तो सिंपल है, 13 माइनस 1 हो गया 12 और माइनस 32 प्लस 20 हो गया माइनस 12, तो क्या आंसर आ गया जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 इसको क्या बना रहा है जीरो बना रहा है, किसकी जीरो बना रहा है, इसको वही एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स की जीरो बना रहा है। अगर ये इसका जीरो बना रहा है तो ये माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो यानी कि एच प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। तो चलिए हमारा जो मेन काम था, जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमें एक फैक्टर चाहिए होता है इसके लिए, और कुछ भी नहीं है। तो आ जाते हैं अपने बहुत ही सिंपल शॉर्टकट मेथड पे, तो ये करना बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब वो खुद अपने आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो वैल्यू जीरो बना रही है उसको बस यहाँ पे रखना है आपने, और अब आपने क्या करना है, जो भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है उसको चेक करना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए, फिर क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो हमारी ऑटोमेटिकली इसी में दे रखी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से कोफिशिएंट लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है 13, एक्स का कॉफिशियंट है 32 और लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है 20। तो ये शॉर्टकट्स हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। कई बार आता है क्यूबिक इक्वेशन तो बच्चे लॉन्ग डिवीजन करने लग जाते हैं, हालांकि वो भी मेथड है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें टाइम लिमिट को ध्यान रखते हुए हमारे पास शॉर्टकट्स काफी काम आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हैं। यहाँ वन जो मैंने कहा था, आपके पास जो भी नंबर रहेगा उसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ और जो भी आता आएगा इन दोनों को ऐड करके करते जाओ। तो माइनस वन इंटू वन क्या आएगा, माइनस वन। थर्टीन माइनस वन कितना हो गया, ट्वेल्व। माइनस वन इंटू ट्वेल्व कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व। 32 माइनस 12 कितना हो गया, 20। साइन का भी ध्यान रखना है, बड़ा नंबर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है। देन माइनस 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा, माइनस 20। एंड दैट्स आंसर, ये क्या आ गया, जीरो। मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लास्ट टर्म है ये जीरो आना चाहिए। बस ये आपका किसका कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का, ये किसका है, एक्स का, और ये क्या बन चुकी है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो लो जी, हो गया हमारा क्वेश्चन, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, बस इसको जोड़ दो आपस में, 12x प्लस 20। अब इसके फैक्टर बनाना सब बच्चों को आता है, 8th क्लास के बच्चों को आता है, नहीं आता तो इसके लिए हम अपना फिर से शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो इसको भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है। मैंने क्या बोला है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशियंट्स है उसके आपने जो कॉफिशियंट है उसका फैक्टर बनाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वन, तो वन का फैक्टर वन वन ही होता है, साथ में एक्स स्क्वायर था, दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। अब आती है बात 20 की, 20 के फैक्टर कई सारे होते हैं, बच्चों को पता है 2 × 10 भी 20 होता है, लेकिन अगर आप देखिए 2 × 10 लेते हो तो बन जाएगा, बिल्कुल हमारा बिल्कुल बन रहा है, 10 × 1x कितना हो जाएगा, 10x, और 1x × 2 कितना हो जाएगा, 2x, 10 + 2 कितना हो गया, 12, दैट्स द आंसर। हमें यही तो चाहिए, मिडल टर्म चाहिए होती है प्लस या माइनस करके। अगर कोई बच्चा 4, 5 द 20 होता है वो भी ले सकता है, लेकिन उसको करने पर हमारा प्लस या माइनस करने पर 12 नहीं आएगा। आप चेक कर लो, 5 × 1x कितना आएगा, 5x, 4 × 1x कितना आएगा, 4x, 5 + 4 करोगे तो या तो 9 आएगा, या 5 − 4 करोगे तो 1 आएगा, ना तो बीच में 9 है और ना ही हमारा 1 है। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे ना आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा, तो इसके फैक्टर बनेंगे 10 और 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, और बीच में हमें प्लस चाहिए तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि 10x प्लस 2x करके ही हमारा 12x बनेगा। तो ये बन गए हमारे ऑटोमेटिकली फैक्टर, क्या बन गए, x प्लस 10 और x प्लस 2, क्या फैक्टर बन गए, x प्लस 10 और x प्लस 2, काम खत्म, x प्लस 10, x प्लस 2। सो दैट्स द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, इसकी ऑर्डर 3 है तो इसलिए इसके 3 फैक्टर बनेंगे, इसका ऑर्डर 2 था इसलिए इसके 2 फैक्टर बने हैं। तो जिस इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसके उतने ही फैक्टर्स बनते हैं, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टेकन द थर्ड क्वेश्चन, अगेन अ क्यूबिक इक्वेशन, फैक्टराइज 2x³ − 3x² − 17x + 30। दिस इज इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, प्लीज यू कैन रिकमेंड फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। काफी क्वेश्चन हमारे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज आते हैं, नॉट इवन इन 9th-10th क्लास बट इवन द 11th-12th ऑल्सो। सो जस्ट सी हेयर, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिए इस बार इसमें थोड़ी सी चेंजेस लिए हैं। आपको अगर मैम हर बार एक्स क्यूब का कॉफिशियंट वन वाला करवा रहे हैं, तो अभी मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है कि आपको समझ आ जाए कि जो मैंने मेथड अप्लाई किया है वो किसी भी इक्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। नॉट ओनली ऑन दैट इक्वेशन इन विच द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज वन, यू कैन अप्लाई दैट मेथड ऑन एनी इक्वेशन ऑफ हैविंग एनी कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। सो लेट अस सी, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो है 2x³ − 3x² − 17x + 30। तो हमारा फर्स्ट मेथड तो वही है, हमें अपने माइंड से सोचना है x की कोई ऐसी वैल्यू जो इसका आंसर क्या बना दे, जीरो बना दे। तो हम मैं बार बार इसी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अभी मैं इसकी एक और वीडियो डालूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बहुत हैं।
तो एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट होंगे, तो आज मैं जो मेन फोकस है मेरा वो है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चन आता है तो ये 3 या 4 मार्क्स से कम का नहीं आता एग्जाम में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन जो है वो आपको 10th में भी जरूरत पड़ेगी, एंड इट यू आर गोइंग टू यूज इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंड फॉर द सीनियर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो, कहीं पे भी होता है तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू 1 डालने पर हमारा कुछ काम बनेगा नहीं, मुझे देख के जैसा पता चल रहा है 2 - 3 हो जाएगा -1, और 30 - 17 हो जाएगा 12। नो, हमारा काम नहीं होने वाला है 0 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, 2। 2 पे डाल के देख लेते हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। 8 × 2 आ जाएगा 16, और उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 × 3 आ जाएगा 12। 2 × 17 होता है 34, और ये लास्ट में आ जाएगा 30। देखते हैं यहाँ पे 0 बन रहा है, 16 - 12 आ गया 4, और -34 + 30 हो गया -4। दैट्स द आंसर। हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 की वजह से। तो इसको हम रब कर लेते हैं, तो देखते हैं आगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चेक करके दिखा देंगे हम एग्जामिनर को कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 डालने पर 0 प्रूफ कर दिया है। तो 2 × 2 का क्यूब कितना होता है, 8, -3 × 2 का स्क्वायर है 4, -17 × 34 + 30 ये आ गया 16 - 12 - 34 + 30 कितना हो गया, -4। 16 में से 12 गया, 4 - 4 इट इज गोइंग टू बी 0। बिल्कुल सेम है, x इज इक्वल टू इसकी क्या बन रही है, 0 बन रही है fx की। अगर ये इसकी fx बन रही है तो मैंने क्या बताया था, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम x - 2। सो दैट मीन्स x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन fx। नाउ कम टू द शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, 2 आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 डालने पर हमारा 0 आ रहा है ना, तो 2 एज इट इज लिख लेना है। अब मैंने क्या कहा था, जो भी कॉफिशेंट है उसको ऐसे ही लिख लो। पहला कॉफिशेंट है 2, दूसरा है हमारा -3, थर्ड है हमारा 17, -17, और फोर्थ है हमारा 30। ये लिख लिया हमने एज इट इज। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेनी है। अगर 1 है, पिछले क्वेश्चन में सारी जगह 1 चल रहा था तो मैंने अभी डिफरेंट ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सिर्फ 1 वाले पे नहीं, किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा ये मेथड। तो 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 × 2 का क्या आ गया, 4। -3 + 4 कितना होता है, 1। देखिए साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे बड़ा नंबर 4 है एंड इट इज टेकिंग अ पॉजिटिव साइन। अगर कोई भी साइन ना हो तो इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। सो 4 - 3 इज गोइंग टू बी 1, सो 2 × 1 = 2। -17 + 2 कितना आएगा, -15। वाई आई एम टेकिंग -15, अगेन आई एम सेइंग दैट 17 इज अ ग्रेटर नंबर एंड इट इज हैविंग अ साइन ऑफ नेगेटिव, सो आर आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, 2 × -15 इज -30 एंड द फाइनल आंसर इज 0। ये 0 आना ही चाहिए आपका, और आएगा डेफिनेटली। अगर आपने ये ठीक लिया है, ये सारे कैलकुलेशन ठीक किए हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो बन चुका है, बस ये हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, ये मेरा x का कॉफिशियंट है। 1 × x करेंगे, x करेंगे x ही आएगा, और नेक्स्ट है मेरी कॉन्स्टेंट। इसके लिए भी अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x² + x - 15। तो क्या बताया था मैंने, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है उसके फैक्टर बनाएंगे 2 के फैक्टर, तो 1 × 2 ही होता है। इसके साथ दोनों के साथ x लगा लेना है हमेशा की तरह। और 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5 होता है, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि बड़ा सा आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 × 5 कितना होता है, 5x, और 3 × 2 कितना होता है, 6x। तो 6 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 1। यही चाहिए हमें, मिडल टर्म चाहिए होती है, प्लस या माइनस करने के बाद हमें मिडल टर्म चाहिए होती है। दूसरा हमने ये ध्यान रखना है कि मिडल टर्म प्लस में है या माइनस में। अगर ये प्लस में, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो प्लस में आएगा और जो छोटा है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में होता
अगर सपोज़ ये माइनस में होता तो फिर हम क्या करते, बड़ा नंबर माइनस में लेते और छोटा नंबर प्लस में लेते। मतलब जो मिडल टर्म है ना आपकी, अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, बड़ा नंबर जो है उसके साथ वही साइन रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस करने पर ही तो आ रहा है आपका वन। अभी आप चेक कर सकते हो, 3 to the 6x आ जाएगा और 5 under 5x हो जाएगा, 6x minus 5 कितना होता है 1x, तो यही हमें चाहिए। तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन चुके हैं x minus 2 into x minus 3 into 2x plus 5। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है इस क्यूबिक इक्वेशन का। प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड 3x^4 -4x³ -3x - 1/x - 1 एंड हैंस फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इसको आप, इस फैक्टर को आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। तो डेफिनेटली आप लोग ये सोचेंगे कि इसके लिए भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना है, तो इसके लिए भी आप वही शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। हाउ टू डू इट, लेट्स सी है। x माइनस 1 है ना, इसको जो आपको ये दे रखा है जिससे भी डिवाइड करना है, तो x माइनस 1 को वहाँ से लिख लोगे इज द गिवन टर्म। फिर आपने क्या करना है, जो भी ये टर्म है इसको रख लेना है ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जब हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे, सपोज़ यहाँ पे अगर x माइनस 2 दे रखा है, अगर सपोज़ आपको इक्वेशन में x माइनस 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। यहाँ पे क्योंकि x माइनस 1 दे रखा है तो उसको ज़ीरो रखेंगे। मतलब यहाँ पे जिससे भी डिवाइड करना है उसको पहले ज़ीरो के इक्वल रख लोगे और वहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो निकाल के रख लोगे। अब क्या करना है, इसी के लिए हम अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वहाँ से x की, उसको यहाँ पे बाहर लिख देंगे, बाकी अपना वही टेक्निक। तो आ जाते हैं हम अपने कॉफिशेंट्स पे। सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ x^4 है, उसका कॉफिशेंट है 3। देन x^3 है, उसका कॉफिशेंट है -4। देन x^2 आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x^2 नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म एक्चुअल में नहीं है, तो जो टर्म ना हो उसको लिए हम क्या लिख देंगे, 0। फिर एक्स की टर्म आ रही है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -3। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। क्लियर है? तो ये मैंने बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ की है, कोफिशिएंट्स लिख दिए मैंने सारे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट सी हियर, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे 3 1 into 3 क्या आ जाएगा, 3। -4 + 3 क्या आ जाएगा, -1। 1 into -1 क्या आ जाएगा, -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1। आपको बस यही करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यही प्रोसेस करते रहना है। 1 into -1 क्या आएगा, -1। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, -4। क्योंकि आपको पता है दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस ही होता है ना, और साइन नेगेटिव ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट 1 into -4 क्या आएगा, -4। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5। अब हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आता था, 0। क्यों आता था रिमाइंडर 0, क्योंकि एक्चुअल में वो इसका फैक्टर होता था। तो यहाँ पे जो 1 है वो इसका फैक्टर नहीं है, इट मीन्स आपका एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है। कई बार एग्जाम में आपको ये दिया होता है कि चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, आपको एक नंबर में दिया होता है। अब आप इतनी सोचते हैं कि एक नंबर में हमें इतना नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो बेटर टू यूज़ दिस मेथड। आपका बिल्कुल टाइम बचेगा और आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा, विद इन 2 seconds यू कैन सॉल्व एंड यू कैन टेल कि वेदर दिस इज़ द फैक्टर और नॉट। फैक्टर बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन को चेक करना है फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ यहाँ सिंथेटिक डिवीज़न मेथड यूज़ करिए। अगर आपकी ये लास्ट टर्म यहाँ पे 0 आ जाती है तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है, और अगर ये 0 नहीं आती तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बस यहाँ से आपका आ चुका है आंसर, यहाँ पे आप सबको पता चल चुका है कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -5। और क्वेश्चन क्या आएगा, लो जी, जो आप इतना लंबा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते थे वो आप फटाफट से बता सकते हैं इसके साथ। अब क्योंकि ये पावर 4 वाली है ना टर्म, तो ये पावर 3 पे चलेगा। ये है पावर 3, ये है टर्म कोफिशिएंट है 2 का, और ये है पावर 1 का, और ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बस इसको ज्वाइन कर दो, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 3x³
माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू एक्स आ जाएगा माइनस एक्स, और साथ में मेरा कॉन्स्टेंट टर्म माइनस फोर। तो क्या करना है, बस जो भी इक्वेशन दे रखे ना उससे कम डिग्री के कोफिशियंट्स लगा देने, टर्म्स लगा देने। यहाँ पे पावर फोर है तो फिर पावर थ्री वाला, पावर टू वाला, पावर वन वाला और पावर जीरो वाला, मतलब कि कॉन्स्टेंट। पिछली इक्वेशन में हमें पावर थ्री वाला दे रखा था तो यहाँ पे पावर टू वाला था, फिर पावर वन वाला यानी कि एक्स था, फिर कॉन्स्टेंट। तो आपको समझ आ गया होगा कि इतने जो लंबे लंबे क्वेश्चन हैं उसको हम बहुत ही इजीली इस मेथड से कर सकते हैं और अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। एंड डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज दिस मेथड इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू दैट डिफिकल्ट मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड, एंड यू आर नॉट गोइंग टू कन्फ्यूज इन योर एग्जाम। सो प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न प्रूव दैट 2x इज टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको बिना डिवाइड करे आपने बताना है कि ये जो है इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करें, डिवाइड नहीं करना तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी नहीं यूज़ कर सकते। तो अगेन देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिख लेना है। ये हमने लिख लिया क्योंकि हमने इसी के लिए ही चेक करना है कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी द फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर। ही तो है डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फैक्टर को फैक्टराइज़ कर, इस इक्वेशन को फैक्टराइज़ कर लेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए मैं अपना शॉर्टकट मेथड लगाने वाली हूँ और वैसे भी ये तो बहुत ही सिंपल है, ये डायरेक्टली पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1, तो 1 के फैक्टर्स तो 1-1 ही बनते हैं, दोनों के साथ आप एक्स लगा लो। और 2 का फैक्टर क्या बनता है, 1 × 2 बनता है, 2 × 1 भी लिख सकते हो, हार्डली मैटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 1x क्या होता है 2x, 1 × 1x क्या होता है 1x, तो 2 + 1 2x + 1x कितना हो गया 3x, वही चाहिए हमें। लेकिन मिडल में क्या है, नेगेटिव, तो मतलब दोनों किस में आएंगे, नेगेटिव में। अभी चेक कर लीजिए, -2x - 1x, तो आ गया हमारा -3x, तो फैक्टर बन चुके हैं मेरे यहाँ पे x - 1 x - 2। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर बना लिए x - 1 x - 2। अब हमने इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली है, यहाँ पे हमें x - 1 = 0 रखेंगे और यहाँ से x - 2 = 0 रखेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स बन चुके हैं ना। तो हम इस इक्वेशन में इसको यहाँ पे = 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी और ये क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 2। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी x = 1 and x = 2। नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट x = 1 इन दिस इक्वेशन एंड देन यू हैव टू अगेन पुट x = 2 इन दिस इक्वेशन। क्या करना है, जो ये फैक्टर्स आए हैं ना आपके बन के, इसको बिना डिवाइड करे बोला है ना इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में डाल देनी है। अगर इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए, अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे आप करते हैं सिंपली 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, आपका कम्प्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। तो सेम यही है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है दैट मीन्स दिस इज़ कम्प्लीटली डिवाइड, और इन दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा तभी ये फैक्टर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। मैं बात अपनी रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, ये 2 की 2 वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर डालने पे हमारा आंसर दोनों केसेस के लिए 0 आना चाहिए। अगर एक भी केस के लिए 0 नहीं आया तो ये इट मींस ये फैक्टर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1, तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 2x = 4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसको डिवाइड करने, इसको यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, बस 1 की पावर तो सब कुछ 1 ही होता है, तो 2 आ गया, माइनस 5 आ गया, प्लस 2, माइनस 1, प्लस 2, तो कितना आ गया, 2 - 5 कितना हो गया, -3, 2 - 1 कितना हो गया, +1, +2 कितना आंसर आ गया, 0, 2 + 1 = 3, 3 - 3 क्या आ गया, 0, यानी कि ये x = 1 के लिए तो ये इसका फैक्टर हो गया। अभी
एक्स इज इक्वल टू टू के लिए भी चेक करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू टू के लिए चेक करेंगे तो अब हम इसमें एक्स की वैल्यू टू पुट कर देंगे, तो टू इंटू टू रेस टू पावर फोर माइनस फाइव इंटू टू रेस टू पावर थ्री प्लस टू इंटू टू रेस टू पावर टू माइनस टू प्लस टू, ठीक है ना। x की वैल्यू जस्ट क्या पुट करिए, टू। ये माइनस टू प्लस टू तो यहीं आ रहे हैं, इसको यहीं कैंसिल कर दो, इसको आगे लेने के जाने की जरूरत नहीं है। टू रेस टू पावर फोर मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मीन्स टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है ये सिक्सटीन, सिक्सटीन टू का क्या होता है थर्टी टू, माइनस टू का क्यूब मीन्स एट, टू इंटू टू इंटू टू एट, एट फाइव का क्या हो गया फोर्टी, प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, फोर टू का क्या आ गया एट। तो चेक कर लेते हैं, थर्टी टू प्लस एट फोर्टी, या थर्टी टू माइनस फोर्टी कितना आ गया माइनस एट प्लस एट, दैट्स आंसर। और हमारा आंसर क्या आ गया जीरो। इट मीन्स दोनों के दोनों फैक्टर इसको जीरो बना रहे हैं, इट मीन्स ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड्स दिस फैक्टर, तो यहाँ पे आपने सीखा कि हम लोग बिना डिवाइड करे भी शो कर सकते हैं कि हमारा फैक्टर इसको डिवाइड करता है नहीं, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न। और हमने सीखा कि आज कैसे किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को शॉर्टकट तरीके से कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड द टूडेज टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो हमने शॉर्टकट सीखा है क्यूबिक इक्वेशन को। इज़न्ट इट यू फील वेरी गुड कि हमारा जो इतना टाइम वेस्ट होता था उसको सॉल्व करने के लिए, तो वी डोंट नीड टू वेस्ट आर टाइम नाउ। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन टू फॉर डू इट योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन ऑफकोर्स आई एम देयर फॉर यू। Please do mention in the comment box. आपसे नहीं होता तो you can just mention for any question you are not able to solve. जो भी आपसे नहीं होता please mention that particular question in the comment box. I am going to solve that question in my next video. So I hope so that you have liked my video. Please, if you have liked my video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching Maths, Alisha Maths classes. Thank you.